हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईटीआई में। आज हम आपके लिए लेकर आए जुदे ड्राइंग का फ्यूचर सेकेंड ईयर, मतलब कि मैकेनिकल के जितनी भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड यह देख सकती हैं, सभी ट्रेडों के लिए है। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आइए आप वीडियो पढ़ के या वीडियो पढ़ कर जाते हैं 100% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे इसमें से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पढ़कर जरूर जाएं, तभी आप इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। यह क्लास सेकेंड ईयर वालों के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए इस वीडियो है होगी वो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल स्मार्ट आईटीआई में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन रिवेट, दिए गए रिवेट को पहचाने। ये जो आपको रिवेट दिखाई दे रहा है, इस रिवेट को देख को पहचान करके बताना है कि यह कौन सा रिवेट है। यह क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं बोर्ड पर, लेकिन फिर से करा दे रहे हैं, तो यह क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है फ्लैट हेड, ऑप्शन बी है काउंटर सिंक हेड, ऑप्शन सी है पैन हेड, या फिर ऑप्शन डी है स्नैप हेड। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें, स्नैप हेड। ठीक है, स्नैप हेड आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए आते हैं दो नंबर क्वेश्चन पे। दो नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममिति वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है सममिति अनुभाग, ऑप्शन बी है पूर्ण अनुभाग, ऑप्शन सी है आधा अनुभाग, या फिर ऑप्शन डी है चतुर्थ अनुभाग। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आधा अनुभाग, हाफ अनुभाग होता है। ठीक है, चलिए आते हैं तीन नंबर क्वेश्चन है ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है पीवीसी पाइप, ऑप्शन बी है ब्रास पाइप पीतल के, ऑप्शन सी है स्टील के पाइप, ऑप्शन डी है जीआई पाइप। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें, पीवीसी पाइप। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है, वहीं पानी उनी भरने के लिए या फिर नल में पानी भरने के लिए, सब के लिए जीआई पाइप का उपयोग करते हैं। वहीं गैस वोस और ये सब चीज़ों के लिए हम लोग स्टील पाइप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या पीतल का भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है द थ्रेड एंगल ऑफ बी एस डब्ल्यू स्क्रू थ्रेड के एंगल है। आपका ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी है 55 डिग्री। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 55 डिग्री। आप बी एस डब्ल्यू का ही नहीं, यह बी एस पी और बी एस एफ तीनों का होता है 55 डिग्री। आपका ऑप्शन ए 30 डिग्री जो है वो होता है मीट्रिक एक्मे का 30 डिग्री होता है, और ऑप्शन बी जो है 45 डिग्री वह होता है बटरस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है, और आपका ऑप्शन सी 60 डिग्री जो होता है वो मीट्रिक थ्रेड का होता है। जितनी भी मीट्रिक थ्रेड रहेंगी वह 60 डिग्री की रहेंगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है 55 डिग्री। चलिए आते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में चार पाइपों को समायोजित करता है, चार पाइपों को जोड़ता है, मतलब कि ऐसे कौन सा पाइप फिटिंग है जो चारों पाइपों को एक साथ जोड़ देगा। आपका ऑप्शन ए है एल्बो, ऑप्शन बी है क्रॉस, ऑप्शन सी है यूनियन, या फिर ऑप्शन डी है टी। तो आपका ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर होगा, क्रॉस। क्रॉस में हम लोग जब एक रहेगा तो उसमें चार हो जाते हैं, चार हम लोग पाइप जोड़ सकते हैं, चार फिटिंग पाइप। एल्बो में हम लोग सिर्फ दो ही पाइप को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वह एल 90 डिग्री की तरफ मुड़ा होता है। एक और क्वेश्चन है आपका, नट एंड बोल्ट्स आर सेमी परमानेंट, नट और बोल्ट हैं सेमी परमानेंट, अर्ध स्थाई। आपका ऑप्शन बी टेम्परेरी फास्टनिंग, स्थाई फास्टनिंग, ऑप्शन बी सेमी परमानेंट,
इसमें आपका ऑप्शन ए है सेमी परमानेंट अर्धस्थाई, ऑप्शन बी है टेम्परेरी परमानेंट टेम्परेरी फास्टनिंग अस्थाई फास्टनिंग, ऑप्शन सी है सेमी टेम्परेरी अर्धस्थाई, या फिर ऑप्शन डी है परमानेंट फास्टनिंग। आपका ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर होगा टेम्परेरी फास्टनिंग, मतलब कि टेम्परेरी फास्टनिंग जो होता है, ठीक है, टेम्परेरी मतलब कि काम चलाऊ। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है, मतलब ये जो चित्र देख रहे हैं उसमें से आपको बताना है कि बॉयलर एप्लीकेशन के हेड है, देख लीजिए चित्र। चलिए आपका ऑप्शन ए है पैन, ऑप्शन बी है स्नैप ऑप्शन, या फिर ऑप्शन डी है स्टीपल। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें स्टीपल। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने करा दिया है, आप दोबारा करा देना, देख लीजिए स्टीपल, ठीक है। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, रिवेटेड ज्वाइंट इज अ, रिवेटेड ज्वाइंट है आपका ऑप्शन परमानेंट ज्वाइंट, आपका ऑप्शन बी टेम्परेरी ज्वाइंट, ऑप्शन सी है सेमी परमानेंट, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सेमी परमानेंट अर्ध स्थाई, ठीक है। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, GMAW स्टैंड फॉर, GMAW के लिए खड़ा है आपका ऑप्शन ए है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, आपका ऑप्शन बी है गन मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी है जर्मेनियम मेटल आर्क वेल्डिंग, या फिर ऑप्शन डी है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, CRPF स्टैंड फॉर, CRPF का मतलब है आपका ऑप्शन ए है कनेक्टेड पाइल राउंड फाउंडेशन, ऑप्शन बी है कंबाइंड प्लेन राउंड फाउंडेशन, ऑप्शन सी है क्रोशियन प्रूफ राफ्ट फाउंडेशन, या फिर ऑप्शन डी है कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कॉम्बिनेशन पाइल राइट फाउंडेशन, कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय अ ब्रेक लाइन, इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। आपका ऑप्शन ए है ब्रोकन आउट सेक्शन टूटा हुआ अनुभाग, ऑप्शन बी है हाफ सेक्शन आधा अनुभाग, ऑप्शन सी है रिमूव्ड सेक्शन हटाए गए अनुभाग, ऑप्शन डी है रिवोल्ड, ऑप्शन डी है रिवॉल्ड सेक्शन परिभ्रमण अनुभाग। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ब्रोकन आउट सेक्शन टूटा हुआ भाग, ठीक है। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, द थ्रेड एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड कोण होता है, आपका ऑप्शन 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। आपका ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा 60 डिग्री। 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच सिंबल ऑफ यूज फॉर बट जॉइंट्स, बट जॉइंट के लिए किस प्रयोग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा देखकर एक बार, क्योंकि ये हो सकता है आ सकता है पेपर में, तो एक बार देख लीजिएगा। बट जॉइंट के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा बट जॉइंट के लिए डी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फाउंडेशन आर देयर बेस्ड ऑन डेप्थ, गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार की होती है। आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, या फिर ऑप्शन डी है 5। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 2, ठीक है। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, द रिवेट हेड फॉर अ जनरल पर्पज शो इन द फिगर ऑफ बिलो, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोज्य के लिए रिवेट हेड है।
ये चित्र देख के बताइए कि कौन सा इसका हेड किस प्रकार का है, कैसा है। आपका ऑप्शन ए फ्लैट है, इसका हेड फ्लैट है। ऑप्शन बी काउंटर सिंक है, स्नैप है, या फिर ऑप्शन डी पैन है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, काउंटर सिंक है, क्योंकि यह तिरछम है। कितना कैसा है, तिरछम है, इसलिए यह, ये देखिए ऐसे है, ये तो ये इस तरीके का है, इसलिए यह पर है। रिवेट्स आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। आपका ऑप्शन है लेंथ ऑफ रिवेट, रिवेट की लंबाई। ऑप्शन बी है डायमीटर ऑफ हेड, हेड का व्यास। आपका ऑप्शन सी है नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर। ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, नॉमिनल डायमीटर। चलिए आते हैं 17 नंबर। 17 है लॉक नट या चेक नट को चैम्फर किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है ऊपरी तरफ, ऑप्शन बी है निचली तरफ, ऑप्शन सी है कोई तरफ नहीं, या फिर ऑप्शन डी है दोनों तरफ। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दोनों तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है द इंक्लूड एंगल ऑफ पाइप, पाइप थ्रेड इज अराउंड, पाइप थ्रेड का शामिल कोण चारों ओर है। ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 10 डिग्री। इसमें भी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 55 डिग्री। ठीक है, चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ रिवेट, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। आपका ऑप्शन ए है सैंक, ऑप्शन बी है पॉइंट बिंदु, ऑप्शन सी है हेड, या फिर ऑप्शन डी है टेल। इसमें भी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर का, बिंदु। ठीक है, पॉइंट। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये पहुंच सके। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए प्लीज़ ये पढ़कर दूसरे बच्चों के पास शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।